बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फार्मर टिप्स टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है गुलाबी सुंडी की पहचान। आज हम मौजूद हैं जाम शमस के खेत में और इसमें देखते हैं कि गुलाबी सुंडी इनके खेत में है या नहीं है। तो नाजरीन, आपको जो है ना कपास में गुलाबी सुंडी की पहचान कराएंगे कि कपास में आप कैसे देख सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि इस खेत में गुलाबी सुंडी है। तो इसमें देखने का यही तरीका है कि सबसे पहले जो है कपास के आप फूल में देखें। गुलाबी सुंडी जो है फूल में होती है। अगर आपको इस तरह का सेहतमंद फूल नज़र आए तो उसमें आप समझ लें कि गुलाबी सुंडी होगी इस तरह के फूल में। ये जो नाजरीन आप जो है फूल देख रहे हैं, अभी जो है इस फूल में देखते हैं कि गुलाबी सुंडी है या नहीं है जी। तो इसको जो है देखते हैं कि इसमें गुलाबी सुंडी मौजूद है जी। गुलाबी सुंडी जो है नज़र आ रही है मुझे तो, लेकिन आपको जो है करीब करके जो है दिखाते हैं। तो अभी भी जो है शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो इसको फूल को तोड़ कर दिखाते हैं। ये जो है अब जो है चेक करें, वो सामने गुलाबी सुंडी जो है बैठी हुई है इसमें। ये जो कपास का फूल है इसके अंदर बूर है, वो सामने जो है नज़र आ रही है। इसको जो है और मज़ीद जो है करीब करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये गुलाबी सुंडी की पहचान कर लें। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जी पिंक बोल वर्म, और उर्दू में कहते हैं इसको गुलाबी सुंडी। ये देखें जी, इसको जो है अभी जो है ना फूल से बाहर निकाल कर भी आपको दिखाते हैं। ये बाहर निकालें जी, इसको बाहर निकालें, इसको इसको हाथ पे रख लें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। तो ये जो है अभी आपको जो है ना मज़ीद जो है दिखाते हैं कि ये कैसे जो है ना चलती है। आराम से, आराम से। हाँ जी, ये देखें जी, ये देखें जी नाजरीन, ये जो है गुलाबी सुंडी है, इसकी जो है पहचान कर लें। तो ये जो है पिंक बोल वर्म और गुलाबी सुंडी है, तो इसकी पहचान कर लें। तो और तरीक़ाकार भी आपने जो है देख लिया होगा कि इसको जो है कैसे तलाश करते हैं कपास के जो है ना खेत में। तो गुलाबी सुंडी कपास के खेत में जब होती है फूल में, तो फूल जो है दूर से नज़र आ जाता है। तो जैसा कि आपको बताया है कि वो फूल जो है या तो ऊपर से बंद होगा या फिर जो है वो जो है मधानी नुमा जो है बना हुआ होगा। तो इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि गुलाबी सुंडी कहाँ पे है। तो अभी जो है और चल के देखते हैं, तो मुआयना कर रहे हैं कि ये जो है गुलाबी सुंडी और कहाँ पे हो सकती है। तो इस फूल में नहीं है, इस फूल में जो है आई है और आकर चली गई है, उसके जो है निशानात मौजूद हैं। तो और देखते हैं, ये जो फूल नज़र आ रहा है इसमें भी आकर चली गई है। हाँ जी, ये देखें, इसमें जो निशानात मौजूद हैं, तो इसमें भी जो है आई है और चली गई है। तो जिस फूल में गुलाबी सुंडी आकर चली जाती है, तो उसका भी जो है साफ पता चल जाता है कि इसमें जो है गुलाबी सुंडी आई है। तो नेक्स्ट जो है चलते हैं, देखते हैं। तो ये नाजरीन जो है फूल देख रहे हैं, ये ऊपर से जो है बंद है। ये आप जो है देख लें, ये ऊपर से बंद है, तो इसमें जो है गुलाबी सुंडी हो सकती है। हैं जी, खोलें इसको। तो अभी जो है इस फूल को ऊपर से खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है गुलाबी सुंडी है या नहीं है। तो ये देख लें नाजरीन, ये आपके सामने जो है आपको जो है निकाल कर जो है दिखाते हैं। तो गुलाबी सुंडी इसके अंदर है, तो अभी जो है आपको शायद नज़र नहीं आ रही। तो ये देख लें नाजरीन, ये जो है गुलाबी सुंडी इसके अंदर मौजूद थी। तो इसको जो है बाहर निकालते वक्त जो है ये कपास का जो बूर है, कपास के फूल का जो बूर है, वो भी जो है ना साथ आ गया है। तो फिर भी जो है ये गुलाबी सुंडी नज़र आ रही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और जो है कहाँ पे गुलाबी सुंडी है।
देखें ये फूल देखें, इस फूल में भी आई है और चली गई है, ये जो है निशानात जो है मौजूद हैं इसके। तो ये देखें नाज़रीन, ये जो है कपास के फूल में जो बूर होता है सबसे पहले जो है ये उसको आकर खाती है, तो उसके जो है खाने के निशानात जो है बाकी रह जाते हैं। ये देखें तो इस तरह के जो लाल कलर का फूल है इसमें जो है मौजूद नहीं होती, ये जो है सबसे पहले सफ़ेद जो फूल है उसमें होती है और उसके बाद ये चली जाती है टिंडे में। जी तो ये देखें ये फूल इसमें भी आई है और आकर चली गई है, उसके निशानात बाकी हैं। तो ये जो है बूर खाया हुआ है। तो आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं कि ये देखें ये जो है बूर जो है ये आकर खाती है। इधर देखें जी, इधर भी जो है गुलाबी सुंडी आई है और आकर चली गई है। तो ये देखें आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि गुलाबी सुंडी और कहाँ पे हो सकती है। तो ये देखें जी, ये भी इसमें भी गुलाबी सुंडी आई है और आकर चली गई है। आगे चलें जी, ये देखें जी, ये जो है आप देख रहे हैं फूल, ये फूल देखें इसमें भी गुलाबी सुंडी आई है, इसमें भी गुलाबी सुंडी आई है, ये देखें। तो जिस फूल में गुलाबी सुंडी आती है और आकर चली जाती है तो उसमें जो है निशानात रह जाते हैं गुलाबी सुंडी के। तो जैसे ये फूल है इसमें भी गुलाबी सुंडी आई है, इसमें भी आई है गुलाबी सुंडी और आकर चली गई है, इसका भी जो है फूल का बूर खाया हुआ है। तो आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि गुलाबी सुंडी कहाँ पे है। जैसा कि आपको पहले बताया है कि गुलाबी सुंडी जिस फूल में होगी उसकी शक्ल इस तरह होगी, इसकी जो है पहचान कर लें, इसको देख लें। अभी जो है इस फूल को जो है खोलते हैं और खोल कर देखते हैं कि इसमें गुलाबी सुंडी है या नहीं है। तो इसमें जो है गुलाबी सुंडी नहीं है, इसमें आई है और आकर जो है चली गई है। तो ये देखें ये फूल जो है ऊपर से बंद था, तो इसकी ये पहचान है कि इसमें गुलाबी सुंडी आई है। तो आगे चलते हैं, आगे चेक करते हैं कि गुलाबी सुंडी कहाँ पे है। ये देखें जी, जो गुलाबी सुंडी का फूल होगा वो जो है दूर से पता चल जाएगा। जैसे ये देख लें, ये भी जो है ना इस फूल में भी गुलाबी सुंडी हो सकती है। इसको जो है अभी जो है खोलते हैं और खोल कर देखते हैं कि गुलाबी सुंडी इसमें है या नहीं है। तो इसमें जो है गुलाबी सुंडी नहीं है, इसमें आकर चली गई है, इस फूल में भी आई है। ये देखें नाजरीन, ये जो आपको जो है नज़र आ रहा है कि इसमें भी गुलाबी सुंडी आई है और आकर चली गई है। तो जिस फूल में गुलाबी सुंडी होती है जैसा कि आपको पहले बताया, उसका पहले पता चल जाता है कि गुलाबी सुंडी है। तो ये देखें जी, तो कपास के ये जो फूल नज़र आ रहा है, हाँ जी ये देखें, जैसा कि आपको पहले बताया है कि इस तरह के फूल में जो है गुलाबी सुंडी हो सकती है। तो अभी जो है इस फूल को देखते हैं कि इसमें गुलाबी सुंडी है या आकर चली गई है। जी तो इसमें गुलाबी सुंडी मौजूद है। अभी इसको बाहर निकाल कर और हाथ पे रख कर देखते हैं, ये इधर करें जी, ये देखें जी नाज़रीन, इसे बोलते हैं पिंक बॉल वर्म या गुलाबी सुंडी। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको गुलाबी सुंडी की पहचान करना सिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको जो है कंट्रोल कैसे करते हैं और कौन से जहर से ये जो है आसानी से कंट्रोल हो जाती है, और जो है इसका जो है पूरा लाइफ सर्कल बताया जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।